मैड्रिड में स्पेन के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, बोले आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन। मोदी ने कहा कि भारत स्पेन के बीच रिश्ते को मजबूत बनाने पर दोनों देश जोर देंगे। ई रिक्शा चालक मर्डर मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग हिरासत में। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेखर, सीसीटीवी में नजर आए दोनों आरोपी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गैर मुस्लिम छात्रों की उपेक्षा का आरोप खाना देने में लगाया गया है। उपेक्षा का आरोप, बेहतर खाना नहीं देने का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका। अचकेतन डेवलपर्स ने याद दायर की याचिका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर परेशान करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स की जांच पर रोक लगाने से मना किया। सत्येंद्र जैन है, इस कंपनी में डायरेक्टर। विधानसभा सत्र के दरमियान कपिल मिश्रा पर जानलेवा हमला, आप विधायकों ने पिटाई की। हमले के बाद बोले कपिल, नहीं डरता केजरीवाल के गुंडों से। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन किए, सरयू तट पर पूजा अर्चना की। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। योगी आदित्यनाथ का ऐलान, अयोध्या में सरयू महोत्सव की शुरुआत होगी, घाटों का विकास और संरक्षण किया जाएगा। शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश को चुनौती दी, कहा 5 जून तक मुलायम को सौंपे पार्टी की कमान, वरना 6 जून को बना लेंगे नया मोर्चा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर तस्वीर साफ, आरटीआई के जवाब में केंद्र ने कहा विमान हादसे में हुई थी नेताजी की मौत, परिवार ने कहा मांगे माफी। चेन्नई में बीफ पार्टी के आयोजनकर्ता आईआईटी स्कॉलर पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। मुंबई में कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी के आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बाबा सिद्दीकी पर 100 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप। यूपी के रामपुर के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ, गंडक रेलवे ब्रिज के पास लड़की से छेड़छाड़, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। चेन्नई के टी नगर में कपड़े और ज्वेलरी की दुकान में आग लगी, 7 लोगों की जान बचाई गई, आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बिहार के बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर पर आतंकवादी खतरा, केंद्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर दिल्ली में की एक हाई लेवल बैठक, सीआईएसएफ विशेषज्ञों की टीम शीघ्र ही महाबोधि मंदिर की सुरक्षा का जायजा लेगी। दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन, गौहत्या के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हंगामा किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को एसी ऑफिस से बाहर निकलकर फील्ड में जाने का निर्देश दिया। नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने 25 साल की महिला की गोली मारकर हत्या की, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर, महिला के परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के विवेक विहार में 2 साल की मासूम की कड़ाही में गिरने से मौत हुई, पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश को शुरू किया। लेडी हार्डिंग कॉलेज में कर्मचारी से मारपीट पर हंगामा, कर्मचारियों ने काम बंद किया, प्रदर्शन जारी। रेवाड़ी में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता, युवती ने दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर फंदा लगाकर जान दी, महिला के पति सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज। गुरुग्राम में 11,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या की कोशिश, लूट डकैती और चोरी की 1.5 दर्जन वारदात में था शामिल। सिरसा कोर्ट परिसर में पेशी के लिए आए एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, इस हमले में युवक घायल हो गया, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। महामहिम राष्ट्रपति आगामी 2 जून को गुरुग्राम के सोहना में कौशल विकास योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, महामहिम के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई। कुरुक्षेत्र के हथीरा गांव में बिजली नहीं मिलने से गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली पावर हाउस पर ताला जड़कर लोगों को समझाने आए बिजली बोर्ड XEN को बंधक बनाया। जाट नेता यशपाल मलिक पर भ्रष्टाचार का आरोप, दहिया खाप और जाट धरनों के संचालकों ने आरक्षण की आड़ में चंदे के पैसे का गोलमाल करने का आरोप लगाया, यशपाल ने आरोपों से किनारा किया।